हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर इनिस। आज आप लोगों को दोस्तों ऑर्चाइटिस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ऑर्ची का मीन्स हो गया टेस्टिस, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो टेस्टिस में इन्फ्लामेशन, उसी को ऑर्चाइटिस कहते हैं दोस्तों। ये बैक्टीरिया एंड वायरस के अटैक के कारण होता है। टेस्टिस में इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा, या तो एक टेस्टिस में पेन होता है, कभी कभी दोनों टेस्टिस में पेन होता है। तो ये आप लोगों को ऑर्चाइटिस के बारे में बताए। अब इसका कॉजेज आप जान जाए, बैक्टीरिया एंड वायरस के कारण होता है, ये अब पहला है, नोट करें। दूसरी चीज़ जो है, कौन कौन से बैक्टीरिया एंड वायरस के कारण होता है। तो फर्स्ट जो है तो मम्स वायरस, और दूसरी जो बैक्टीरिया है वो है क्लैमाइडिया बैक्टीरिया, उसके कारण भी होता है। तीसरी चीज़ है खून के कम दौरान के कारण भी ऐसा होता है, हर्निया के प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा होता है। तो ये सब दोस्तों काउजेज है जिसके कारण ऑर्चाइटिस का प्रॉब्लम होता है। अब इसका साइंस सिम्टम लक्षण बताएंगे दोस्तों। तो टेस्टिस में पेन होगा, चलने पर, बैठने पर, लेटने पर। जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा पेन होगा। छूने पर वहाँ थोड़ा गर्म महसूस होगा, बुखार होगा, बदन में दर्द होगा, हेडेक होगा। ये सब दोस्तों साइंस सिम्टम लक्षण है। और ऑर्चाइटिस का होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेटर से बेटर मेडिसिन है, और बहुत ही बेटर काम करती है ऑर्चाइटिस के केस में। तो फर्स्ट मेडिसिन दोस्तों बेलाडोना है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन, लेकिन ऑर्चाइटिस के केस में बहुत ही बेटर काम करती है। जैसे सूजन हो टेस्टिस में, तेज दर्द हो, और वहाँ पर थोड़ी सी गर्माहटन हो, तो बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। अब 30 नंबर मिलने सुबह दोपहर शाम चार चार बूंद खाएँ, बहुत ही बेटर काम करी है। दूसरी मेडिसिन है ड्यूडेंड्रोन। रेंडोन मेडिसिन है दोस्तों, वो भी टेस्टिस के सूजन में, दर्द में, अगर दर्द जो है ऊपर की तरफ रहे ज़्यादा, तो रेंडोन मेडिसिन और ही बेटर काम करती है। लंबे समय से हो तो रेंडोन मेडिसिन इसमें बहुत ही बेटर काम करती है। तो दोस्तों अब रेंडोन मेडिसिन 30 पावर में चार बुन सुबह, चार बुन दोपहर, चार बुन शाम खाएँ, बहुत ही बेटर काम करेगी। तो ये दो मेडिसिन बता दिए दोस्तों, और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं। जैसे थूजा भी ऑर्चाइटिस के केस में बहुत ही बेटर काम करती है। अब अगर ऑर्चाइटिस का केस बहुत ही लंबे समय से हो, तो उसमें थूजा मेडिसिन और बिल्कुल भी ठीक ना हो रहा हो, तो थूजा मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है दोस्तों। मेडोरेनम, अब गोनोरिया का प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो, ऑर्चाइटिस का प्रॉब्लम उठते, तो दोस्तों मेडोरेनम मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। एचिनेसिया मेडिसिन जो है बहुत ही बेटर काम करती है। एचिनेसिया मेडिसिन ऐसे भी आप लोग जानते हो, इन्फेक्शन के कम करने के लिए बहुत ही बेटर मेडिसिन है एचिनेसिया क्यू। और उसके बाद और भी मेडिसिन है दोस्तों, जैसे कैलेंडुला क्यू। एंटीबैक्टीरियल एक्शन बहुत ही बेटर काम करते हैं कैलेंडुला क्यू, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। इतनी सारी तो मेडिसिन बताया, लेकिन दो मेडिसिन के बारे में पूरा बताया क्यों, क्योंकि सारा साइंस सिम्टम देख लेने के बाद मेडिसिन को दिया जाता है। बस आप लोगों को जानकारी दिए कि ऑर्चाइटिस का होम्योपैथी में बहुत ही बेटर ट्रीटमेंट है। अगर आप बेलाडोना मेडिसिन, रेंडोन मेडिसिन का जो सिम्टम बताया उसे देख करके आप दवाई को टेक ले सकते हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन उतना मेडिसिन में आप खुद कंफ्यूज कर, इसलिए कोई भी मेडिसिन अगर खाएं तो आप नज़दीक के फिजिशियन से थोड़ी सी सलाह ज़रूर ले लें। और बस आप लोगों को इसलिए बताएं कि ऑर्चाइटिस का होम्योपैथिक में अच्छी इलाज है, बेटर इलाज है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।